Hello, good morning, my dear student. I am Sachidanand and you are watching Engineering Graphics by Sachidanand. My dear student, अभी हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ रहे हैं और मैंने पिछले वीडियो में दो कंडीशन जो प्लेन के शुरुआती दो कंडीशंस होते हैं वो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन किया है. तो उसी के बेसिस पे सबसे पहले मैं आज एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम से छोटे छोटे जो आपके कंसेप्ट होते हैं कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत सहायता मिलती है. तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोज़ का लाइक ज़रूर करें आप लोग और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें. तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक सबसे पहले एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं कि एक स्क्वायर है. स्क्वायर एक टू डायमेंशनल शेप का ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइड है 50 mm. ठीक है, 50 mm साइड का एक स्क्वायर रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन SP. तो यहां से प्लेन का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है कि वन ऑफ इट्स साइड का क्या मीनिंग होता है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है कि एक एक प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो पहले रखा हुआ है. कहाँ रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, मतलब कोई सरफेस से ऊपर नहीं है. और आपको ये समझना चाहिए कि जिस जो प्लेन होता है, जिस किसी भी प्लेन पे रखा होगा, समझ में आ रहे हैं, जिस किसी भी प्लेन पर रखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ से उसको पैरेलल मानेंगे. उस प्लेन से हम उसको पैरेलल मानते हैं, मतलब कि हमारे पास में प्राइमरी दो कंडीशन हो. फर्स्ट कंडीशन ये था कि ए प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन. तो अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं वैसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें क्या समझना है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम में उस तरीके से नहीं आएंगे. प्रॉब्लम में कैसे आएंगे कि आपको प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे. तो क्या है कि कहाँ पे किस प्लेन पे पहले रखा हुआ, आपको पहले बोर्ड देखना है. तो कौन सा प्लेन पे रखा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ. तो आपको ये समझना है, पहला कंडीशन ये है कि वो प्लेन कहाँ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ तो दूसरे प्लेन से कैसा होगा, वो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होगा. अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में ये प्लेन है, ये स्क्वायरल शेप में, हमने क्या किया इसको इस पर रख दिया, इस पर अगर रखा है तो दूसरे प्लेन से कैसा होगा, ये तो ये VP से कैसा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है. ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, चाहे इसको ऐसे घूम रोटेट कर दे कैसे, लेकिन VP से कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये फॉलो करना है कि जो HP पर रखा है मतलब HP से परपेंडिकुलर पैरेलल है, एंड तो अगेन उसका नेक्स्ट VP से परपेंडिकुलर है. सेकेंड कंडीशन, द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP. HP पे रखा हुआ है, पहला कंडीशन था. अब दूसरा कंडीशन भी आ गया, कंडीशन नंबर टू को वहाँ देखिए. हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, कंडीशन नंबर टू क्या था कि प्लेन क्या हो सकता है कि एक से इंक्लाइन हो सकता है, एक प्रिंसिपल प्लेन से, तो दूसरे प्रिंसिपल प्लेन से फिर से परपेंडिकुलर ही रहेगा. अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री HP से इंक्लाइंड है ना, HP से इंक्लाइन है. पहले HP पे रखा है और HP से इंक्लाइंड है. आप लोगों को पढ़ाया भी पहले, पिछले वीडियोस में देखेंगे तो पहले मैं कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने जो एग्जांपल लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल लिया था, फिर उसी प्लेन पे जो पैरेलल था उसी को हम लोगों ने इंक्लाइन किया था. ठीक है ना, जो VP से परपेंडिकुलर था सेकेंड कंडीशन में, VP से परपेंडिकुलर ही था. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लेन जिस किसी भी प्लेन पे रखा होता है, जिस किसी भी प्लेन से पैरेलल होता है, सबसे पहले हमें इंक्लाइन भी उसी से करना है. तो क्वेश्चन को ऐसे उसका प्रोजेक्शन बनाना, प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग होगा कि अपने को ये थ्री डायमेंशनली नहीं बनाना है, हमने को एक्स वाई लाइन खींचना है, ऊपर वाले को VP मानना है, नीचे वाले को HP मानना है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऊपर वाले को HP मानना है, VP वाले को, तो जैसा भी है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमें कोई क्वाड्रेंट के बारे में पता नहीं, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर के चलते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसको रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसा रखना है, हमें इंक्लाइंड सबसे पहले हमें एस्टेब्लिश करना है, XY लाइन लेना है सबसे पहले. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक XY लाइन लेंगे, XY लाइन लेंगे. ठीक है, और एक स्क्वायर बनाना है. स्क्वायर में का एक साइड जो है, अगर मान लिया जाए ये एक स्क्वायर है, ये मान लीजिए कि स्क्वायर साइड का होगा. अगर इसको हमने क्या किया, रेस्ट करवा रहे हैं, कहाँ रेस्ट करवा रहे हैं, HP पे हमने रख दिया है इसे,
तो रखा जा सकता है, ऐसे भी रख सकते हैं जिसमें कि ये लाइन जो है वीपी के पैरेलल आपको दिखाई दे रहा हो, या ये लाइन वीपी के पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, या हम ऐसे भी रख सकते हैं जहाँ पे कोई पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन है, रेस्ट किस पे कर रहा है, रेस्ट कर रहा है किस पे, एक साइड पे बोल रहा है, स्क्वायर का चार साइड होते हैं तो एक साइड पे रेस्ट कर रहा है। तो जब हमें साइड पे बोलता है रेस्ट करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साइड को, पार्टिकुलर साइड को, है ना, वीपी से परपेंडिकुलर, या तो इसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, हम लोग कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड में। हम लोग जब भी कभी कहता है किसी भी पार्टिकुलर साइड पर रेस्ट कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कंडीशन में, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से उस साइड को बनाएंगे। मतलब हम लोग कैसे रखेंगे, इस कंडीशन में ये जो जाएंगे एक्स वाई लाइन से पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट किस पे कर रहा है, इस पे। अब जब हम इसको इंक्लाइन भी कर देंगे तो ये सरफेस से टिका हुआ होगा, समझ में आ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे रखते, इसको इंक्लाइन करेंगे तो सरफेस से क्या टिका हुआ रहेगा, सारा लोड किस पे रहेगा, इस कॉर्नर पे। लेकिन अगर हम ऐसा करके रखते हैं, इसको इंक्लाइन करते, सारा लोड किस पे होगा, इस पार्टिकुलर साइड पे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स यहाँ से एक साइड इसके, यहाँ मान लेते हम लोग बीपी है, ये एचपी है, ठीक है। ये हमने बनाया हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का चारों साइड कैसा होता है, इक्वल होंगे। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक साइड जो है वो कैसा है, लेफ्ट साइड में है। पेंटागन होता तो ये अगर लेफ्ट में होता है तो आगे कॉर्नर हो जाते, ये अलग 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 टाइप के साइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, अगर हम इसको देखा जाए तो सबसे नीचे की तरफ से यहाँ से ये, क्योंकि एच पी पे, एच पी पे नेमिंग स्मॉल में हो जाते, एक यहाँ हो जाएंगे, बी यहाँ हो जाएंगे, सी यहाँ हो जाएंगे, डी, ठीक है। और ये सरफेस से है, अगर टॉप, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ए और डी का एक प्रोजेक्शन लेंगे तो सीधे जाएंगे कहाँ, यहाँ पे, और फोर एच पेंसिल से, ग्रीन वाले जो काम करें फोर एच पेंसिल से करें। और फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे इसको तो हमें ए और बी लाइन दिखाई देगा जो कि एक्स वाई लाइन पे जस्ट रखा हुआ दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन, और आपको लाइन पॉइंट दिखा देंगे यहाँ पे। आपको यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ए दिखाई देगा, ए डैश, यहाँ पे ये बी डैश, और सी डैश, डी डैश आपको नहीं दिखाई देंगे। तो क्या इसको नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, बी के पीछे छुपा हुआ इसलिए बी के बाद लिखेंगे सी डैश, या बी के नीचे भी लिख सकते हैं, और ए के पीछे छुपा हुआ डी, तो ए के बाद लिखेंगे डी डैश, ए डैश, डी डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, साइक्लिक ऑर्डर, ए बी सी डी। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो एच पी से पैरेलल है, मतलब एच पी पे ये ऑब्जेक्ट अपने क्या कह सकते हैं, ट्रू शेप में दिखाई दे, ओरिजिनल शेप में दिखाई देता है। जिससे परपेंडिकुलर है उसमें बस एक डायमेंशन दिखाई देगा सामने से, बाकी बी और सी का डिस्टेंस आपको नहीं पता चल रहा है, ए और डी का डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसमें। अब दूसरा कंडीशन है कि एच पी से इंक्लाइन करना है, कितना डिग्री से, कितना डिग्री से, 45 डिग्री से। अब आप बताएंगे कि कौन से पार्ट को, ये वी पी पे है या एच पी पे, कौन से पार्ट को हमें इंक्लाइन करना है, है ना, एच पी से, एच पी से इंक्लाइन करना है, एच पी से, एच पी से कुछ भी करना है तो कहाँ करेंगे, यहाँ एच पी को रेफरेंस में रखना है, एच पी से पैरेलल रखना है, एच पी से इंक्लाइन रखना है, एच पी से परपेंडिकुलर रखना है, जो भी करना है एच पी से वो कहाँ करेंगे, वीपी में। तो कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाएंगे, ये वीपी वाले ऑब्जेक्ट को। अगर हम कहते हैं कि वीपी से इंक्लाइन करना है, वीपी से पैरेलल करना है, वीपी से परपेंडिकुलर करना है, तो कहाँ करेंगे, एच पी में, एच पी वाले ऑब्जेक्ट को करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कंडीशन क्या है,
एचपी से पैरल, अच्छा आप ये देख सकते हैं ए से एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, डी से एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, बी से एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, सी से एक्स वाई का डिस्टेंस कितना है, जीरो। समझ में आ रहे हैं, उसी पे रखा हुआ है, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसा है, ये पैरल है, ये लाइन कैसा है, ये प्लेन कैसा है, पैरेलल है, क्योंकि जीरो डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब यहां से अगर देखेंगे ऊपर में एच वीपी है, वीपी से इसका पोजीशन देखते हैं, वीपी से मतलब एक्स वाई से बी का डिस्टेंस कितना जितना है उतना है डिस्टेंस एक्स वाई से या वीपी से ए का डिस्टेंस है ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, इसलिए ये लाइन पैरेलल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्स वाई से सेम है, नहीं, ठीक है ना, और इस पॉइंट के पीछे ये छुपा, इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बीपी से परपेंडिकुलर ही है, इसलिए बीपी पे क्या दिख रहा है, एक लाइन दिखाई दे रहा है। एचपी से कैसा है, पैरेलल है ये, इसलिए इसका इमेज एचपी पे कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रू शेप में दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल शेप में दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या है, प्लेन को इंक्लाइन करना है एचपी से, 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है, तो इस वाले को जो वीपी पे रखा है उसको हमें 45 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री यहाँ से आगे चल के, इसी पे नहीं करेंगे, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ से आगे चलेंगे थोड़ा सा जहाँ पर ओवरलैपिंग ना हो, एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे 4H पेंसिल से, और 4H पेंसिल से कट करने के बाद ए यहाँ से देख, ए डैश बी डैश का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंपास लीजिए, उसकी सहायता से यहाँ से इसको ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको हम फिर डार्क कर देंगे, ठीक है, यही डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया। और नेमिंग कौन सा है, मतलब क्या है, हमने इसको इस वाले प्लेन को हमने ऐसे करके उठा दिया, समझ में आ रहे हैं, ये प्लेन था, इसको हमने ऐसे 45 डिग्री से हमने इसको इंक्लाइन कर दिया, 45 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, तो 45 डिग्री से जब हमने इसको इंक्लाइन किया तो नेमिंग क्या रहेंगे, नेमिंग अभी हमने कुछ नहीं किया, जैसे ये रखा हुआ था बस इसको हमने ऐसे इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है, तो जैसा नेमिंग अभी वीपी पे रखा हुआ है यही नेमिंग वहाँ भी रहेंगे। पहला कंडीशन, पहला फर्स्ट में यहाँ ए डैश, फिर डी डैश है, यहाँ बी डैश है और यहाँ सी डैश है, इसको पढ़ना होगा तो हम यहाँ पढ़ेंगे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ऐसे पढ़ेंगे, ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक स्क्वायर है जो कि हमें दिख रहा है बस लाइन है, लेकिन है स्क्वायर ये। तो अगर ऐसा हो गया, हमने क्या किया, हमारे पास में जब ये ऐसा रखा हुआ था फ्रंट से, हम देख रहे थे कि हमें एक लाइन दिखाई, जब टॉप से दिखा तो ये एक स्क्वायर यहाँ दिख रहा था, अब जब हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं तो हमें क्या अभी भी स्क्वायर ही दिखाई देगा, पहले ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस था, लेकिन अब क्या हो गया, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस जितना है उसके इक्वल ये रहेंगे क्या, नहीं, ये शॉर्ट, ये डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएंगे, कितना शॉर्ट होंगे ये कहाँ से पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से भी वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब लाइन ऑफ साइट कौन सा हो सकता है यहाँ से, मतलब ये टॉप व्यू से अगर देख रहे हैं हम लोग तो ये इस पॉइंट का लाइन ऑफ साइट कहाँ होगा, यहाँ इसका लाइन ऑफ साइट यहाँ होगा, ठीक है, और ये सी और डी पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, लाइन ऑफ साइट इसका होगा करीब यहाँ और यहाँ, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए और बी का प्रोजेक्टर्स यहाँ है, डी और सी का प्रोजेक्टर्स यहाँ है, यहाँ ए बी सी डी, ए डी का प्रोजेक्टर्स यहाँ है, बी सी का प्रोजेक्टर्स यहाँ है, जितने भी कॉर्नर होंगे सभी का हम लोग प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट बी कहाँ, देखिए यहाँ से ए का पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ से जा रहा है ऊपर, जो ए का आ रहा है दोनों जहाँ पर मीट करेंगे, ए और ए यहाँ पर मीट कर रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ पे बी पॉइंट है, इधर बी है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बी, सिमिलरली यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ हो जाएंगे सी और यहाँ हो जाएंगे डी, ए बी सी डी, लेकिन ये जैसा फिगर है वैसा ही फिगर ये नहीं है, है ना, इसका ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ से अगर देख रहे हैं ए और इसका ये रिजल्ट यहाँ पे है, इसलिए इसका नेमिंग चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसका इसका प्रोजेक्टर्स लेने के बाद बने हैं तो नेमिंग चेंज। अब नीचे वाले नेम में तो हम डैश नहीं लगा सकते, एचपी पे जो भी फिगर उसमें डैश नहीं लगाएंगे, तो जैसा ए बी सी डी तो नेम रहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 1 1 1 करके लगा, A1 B1 C1 D1, और जो फाइनल फिगर आया है उसको हम लोग डार्क कर देंगे,
समझ रहे हैं। तो जब हमारा कहने का मतलब है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करने के बाद में जब हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा और टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो जाता है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फर्स्ट कंडीशन को पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे, सेकंड कंडीशन यहाँ ड्रॉ करेंगे, और इस दोनों फिगर से ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। समझ रहे हैं, इस दोनों के रिस्पेक्ट में, इसको अगर इसको 2H से बनाते हैं तो इस दोनों को हम लोग H से बनाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन थर्ड होगा आने वाले समय में, उसको हम लोग HB से डार्क करेंगे, जो जब सबसे ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ट्रायंगल वगैरह लेकर के आप लोग कीजिए। मैं वैसे आगे आने वाले समय में एक दो एग्जाम्पल उससे भी सभी से करवाऊंगा, सभी टाइप के शेप से, इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ओके।